जज हमने सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी के हिसाब से नहीं, इंटरनल नाइसनेस काइंडनेस के हिसाब से भी किया है. ऑल द वीमेन वर वेरी नाइस, वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम श्योर पहली बार आई हैं तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस होती है. हाउस वाइफ्स हैं, कुछ बिजनेस वीमेन हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर कोई अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज फील्ड ऑफ वर्क से आया है. सो इट वॉज अ लिटिल नर्व रैकिंग फॉर देम, बट ऑल ऑफ देम डिड अ ब्रिलियंट जॉब. वी गॉट सम रियली नाइस लेडीज, गर्ल्स आई वुड लाइक टू कॉल देम, बिकॉज वो बिल्कुल अपनी एज के हिसाब से लगता नहीं है कि उनके दो दो बच्चे हैं. सो मेनी वीमेन, सम ऑफ देम आर 40, सम ऑफ देम आर 28, बट दे ऑल लुक द सेम. एंड अच्छा बंच मिला है हमें. And I would say that Tripti and this organization, they are doing a splendid job. It's a very nice initiative to make women get out of their houses, out of their normal stereotype lives, and give them an opportunity to do something and make a mark. I don't think Mrs. India Maharashtra sirf aapko glamour world ya fashion world ki taraf leke jayega. Ye aapko लाइफ में थ्रू कॉन्फिडेंस एंड थ्रू पॉजिटिविटी और भी बहुत सारे एवेन्यूज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाएगा. एंड टॉकिंग अबाउट मैरिड वुमन, बेसिकली व्हेन अ वुमन गेट मैरिड, अबाउट द एज फैक्टर आल्सो, आर टू थिंग्स बैरियर इन अ करियर ऑफ अ वुमन, आई मीन अ वुमन गेट्स मैरिड और द एज फैक्टर, इट्स ऑल इन द माइंड. इट्स शूटिंग वाली हो ना, पता है. It's all in the mind. Age, being married, ये सब आज कुछ accept हो चुका है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी actresses like काजोल और माधुरी दीक्षित के लिए accept हुआ है, but उनकी वजह से, उनसे inspiration लेके आज भी जो young लड़कियाँ हैं, young actresses हैं, जो शादी कर लेती हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं, उनको पूरी तरह से उनके talent पे accept किया जाता है. और अगर कुछ लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता है कि ये मैरिड है और ये 40 साल की है, तो प्रॉब्लम उनके दिमाग में है, लोगों में नहीं.